हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा के और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई लाइफ में यहाँ पे आज के दिन यानी के फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.64% का पॉजिटिव मूव, 1437.75 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है नवंबर 29th को। तो क्या ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंटम आने वाले, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हम जो स्टॉक का वीकली का ही एनालाइज करें तो इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट करें वही हम बात करने वाले हैं। किस रेंज में जो स्टॉक क्लोज हो सकता है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस वीक के लिए, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी जो मार्क करके दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे इस वीक का जो ट्रेड लेने में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस में लास्ट वीक का जो है क्या देखने में। तो 3.2% का नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिला जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए एक बार कैंडल भी हम चेक कर लेते हैं लास्ट वीक का यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम और यहाँ पे जो है हमें कैंडल बनते हुए देखने मिला था लास्ट वीक का। तो ये रहा हमारा लास्ट वीक का कैंडल। लास्ट वीक के कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है एक एवरेज बॉडी जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी, दोनों के साइड में छोटी छोटी एक तरह से वीक देखने मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम हमें जरूर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ RSI भी हमें जो है 33-34 के आसपास जो आ चुका, जो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम का जो इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उससे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पे जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको वन डे के चार्ट पे जो थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूँ। स्टॉक में ट्रेंड जो है वो है अभी भी नेगेटिव। नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो है फिलहाल इन सबसे पहले तो जो है इंपॉर्टेंट मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मार्क करके रख देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में हम क्या एक्सपेक्ट करें पूरा का पूरा यहाँ पे जो आपको चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग हमारी हो चुकी है, जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1437 पे जो है क्लोजिंग देखने मिल रही है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1401 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1451 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा जो क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1371 का, उसके बाद क्या 1337 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला आता है 1478 का, उसके बाद क्या 1510 का। तो यहाँ पे जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए यहाँ पे अपना जो है इस वीक का जो ट्रेड ले। मेरी एक्सपेक्टेशन इस वीक के लिए मैं कहूँ तो जरूर एक पॉजिटिव मूव की है। 1451 से लेकर 1478 के रेंज में मैं क्लोजिंग जो जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक के लिए। नेगेटिव मूव सिर्फ और सिर्फ 1400 के नीचे अगर जो हमें वन डे का कैंडल जो क्लोज होते देखने मिला तब भी हमें नेगेटिव मूव देखने मिला, वरना एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक के लिए। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।